गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे कल कि जो महिलाएं हैं उन महिलाओं के लिए अर्थात महिलाओं का उत्थान करने के लिए या महिलाओं का विकास करने के लिए हम दो तरीके से प्रयास कर सकते हैं। पहला जो प्रयास है वो व्यक्तिगत स्तर पर किया जा सकता है, अर्थात हम क्या कर सकते हैं, एक स्थानीय स्तर पर या समाज के लोगों के द्वारा ही महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य किए जा सकते हैं। ठीक है, अर्थात हम क्या करेंगे, स्थानीय स्तर पर महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए उन्हें समाज में दर्जा देंगे, उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, संविधान भी कहता है कि जो स्त्री है और जो पुरुष है उसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो हमारा संविधान है, वो संविधान ये कहता है कि महिला तथा पुरुष, महिला तथा पुरुष में कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, यानी कि भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशन पर, किसी भी आधार पर, जन्म लिंग धर्म किसी भी आधार पर व्यक्ति के साथ में महिला और पुरुष में अंतर नहीं करना चाहिए, ना काम के आधार पर ना योग्यता के आधार पर। ठीक है, अंतर नहीं करना चाहिए। ठीक है, और सभी जो महिलाएं हैं जो स्त्रियां हैं उनको शिक्षा से भी जोड़ना आवश्यक है, ये हमारे संविधान में प्रावधान किया गया। अब देखो व्यक्तिगत स्तर पर हमने देखा कि व्यक्ति क्या करेगा, खुद ही प्रयास करेगा स्थानीय स्तर पर समाज के द्वारा। ठीक है, जब प्रयास किया जाता है तो उसे तो हम क्या कहते हैं, व्यक्तिगत स्तर पर किया गया प्रयास कहलाता है वो, अर्थात महिलाओं की स्थिति को आगे बढ़ाने के लिए, उसे सुदृढ़ करने के लिए, किस प्रकार की समस्याएं आती है उनको दूर करने के लिए एक व्यक्तिगत स्तर पर कार्य किया जा सकता है। इसके लिए जो सकारात्मक सोच होनी चाहिए, अर्थात व्यक्ति की सकारात्मक सोच होनी चाहिए जिसके आधार पर वो क्या कर सके, महिलाओं का उत्थान कर सके, महिलाओं को आगे बढ़ा सके। इसके बाद में दूसरी चीज हम देख रहे हैं कि सार्वजनिक या सरकारी स्तर पर भी जो महिलाएं हैं उन महिलाओं की स्थिति को बढ़ाया गया है, महिलाओं की स्थिति को सुधारा गया है। सार्वजनिक या सरकारी स्तर पर, सार्वजनिक या सरकारी स्तर पर कैसे करते हैं, तो समाज में जो नागरिक जो महिलाएं रहती हैं उनके लिए सरकार कई प्रकार की योजनाएं चलाती है, योजनाओं के माध्यम से जो महिलाएं उनका कल्याण किया जाता है। और हमारे भारत में तो एक महिला आयोग की स्थापना भी की गई है, एक महिला आयोग बनाया गया है जिनमें जो महिलाएं हैं उनसे संबंधित जो समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाता है। ठीक है, देख जो महिलाएं हैं उनकी स्थिति के लिए सबसे पहले जो सार्वजनिक स्तर पर प्रयास किए जाते हैं उनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, ये महत्वपूर्ण है, अर्थात महिलाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर हमारी जो सरकार है वो सरकार महत्वपूर्ण कार्य करती है। ठीक है, और आप जानते हो जो सरकारी विद्यालय होते हैं उनमें जो बालिका जो पढ़ती है तो उसकी कोई फीस नहीं लगती, किताबें उसको फ्री मिलती है। ठीक है, तो ये सरकार के द्वारा किए गए कार्य हैं जिनके माध्यम से जो महिला वर्ग है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके, शिक्षा के लिए कार्य, इसके अलावा स्वास्थ्य के लिए जैसे कई योजनाएँ चलाई गई हैं, जननी सुरक्षा योजना, ठीक है, ये महिलाओं के लिए चलाई गई है। इसके अलावा बाम माता योजना नाम सुना आपने, बाम माता योजना, इसमें से जो मुखिया है वो बनाया है किसको गया है, महिला को, अर्थात घर का मुखिया किसको बनाया गया है, महिला को बनाया गया है। ठीक है, महिला सशक्तिकरण हेतु योजनाएं चलाई गई है, महिला
सशक्तिकरण के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए योजनाएं चलाई गई है कई तरीके से, ठीक है। और इसके अलावा हम बात करते हैं तो आरक्षण की व्यवस्था, आरक्षण की व्यवस्था ये भी हमारी सरकार के द्वारा की गई है। अर्थात आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जिसमें क्या है कि जो महिलाएं हैं वो महिलाओं को एक निश्चित स्थान प्राप्त है, चाहे वो किसी क्षेत्र में हो, उनको लगभग 33% आरक्षण दिया गया है, ठीक है। सरकारी जो सेवाएं हैं उन सेवाओं में भी महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए उनके पद सृजित किए गए हैं, जिन पे वो अपना स्थान लेती है और समाज के लिए कार्य करती है। तो इस तरीके से क्या है कि अलग अलग माध्यम से, अलग अलग तरीके से महिलाओं के लिए जो योजनाएं चलाई जाती है, उन योजनाओं के माध्यम से उनके विकास के लिए कार्य किए जाते हैं। आप जानते हो ग्राम पंचायत स्तर पर भी महिलाओं का आरक्षण है, जो स्थानीय सरकार है उसमें भी आरक्षण है, जो राज्य सरकार होती है उसमें भी महिलाओं के पद आरक्षित है, जो केंद्र सरकार होती है हमारी संसद होती है उसमें भी महिलाओं के पद संरक्षित है, इसके अलावा सरकारी नौकरियां होती है उनमें भी महिलाओं को स्थान दिया गया, उनको आरक्षण दिया गया है। पदोन्नति में भी जो महिलाएं होती हैं महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है। तो इस तरीके से क्या है अलग अलग स्तर पर अलग अलग तरीके से जो महिलाएं हैं उन महिलाओं की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार के द्वारा प्रयास किए जाते हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा व्यक्तिगत स्तर पर भी कार्य किए जाते हैं, क्योंकि व्यक्तिगत स्तर और सरकारी स्तर दोनों तरीके से महिलाओं के लिए कार्य किए जा रहे हैं, ठीक है।